दोस्तों अपन कोरिलेशन वाला टॉपिक लेके चल रहे थे और शुरू किए हुए भी एक दो दिन हो गए हैं, डिटेल से स्टडी किया है इसको पूरा और जितना इसको एनालाइज कर सकता था, जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा है, मेरे स्वयं के लिए पढ़ा है और आपके लिए भी मैटर निकाला है। ठीक है, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने सब कुछ इसके अंदर आपको बता दिया है, आप जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन इससे सॉल्व करना चाहोगे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कोई एक आधा आदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जिसमें कोई फॉर्मूले, मैंने बताया था जो कॉल पियर्सन वाला था उसमें एक दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा भी है जो मैंने नहीं करवाए, मैंने जो इंपॉर्टेंट आपको तीन फॉर्मूले थे वही करवाए। वो यदि क्वेश्चन आपको नहीं आए तो बात अलग है, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप इससे कर सकते हो कोरिलेशन वाले टॉपिक से। बाकी अब अपने इस टॉपिक के अंतिम पड़ाव में है, इसमें छह मेथड थे, छह मेथड में से मैंने आपको दो मेथड जो थ्योरी वाले हैं वो डिटेल करवाए हैं बढ़िया तरीके से। समझ में नहीं आया कुछ लोगों के, वो बात एक अलग है क्योंकि आप थोड़ा स्टडी कीजिए घर पे जाके, क्योंकि इसमें इतनी बार सर शब्द का यूज हुआ है कि इसमें खुद दिमाग चकराने लग जाता है, मेरे खुद की भी ये हालत है। तो इसको क्या बार बार अपन पढ़ेंगे ना तब जाके आत्मसात होगा। ठीक है, तो वही बात अब अपन ये कि भाई अपन ने दो मेथड प्रैक्टिकल वाले भी कर लिए हैं और अब अपन लास्ट पड़ाव में आ रहे हैं, मतलब इस चैप्टर के आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसे जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, यदि नहीं आता है मेरे से पूछिए मेरी भी तैयारी हो जाएगी और आप भी सॉल्व कीजिए जितने आपको मिल सकते हैं अवेलेबल, जितने क्वेश्चन बढ़िया वाले क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो आज अपना क्या है ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव में मेरे को ये दो मेथड मैंने देखे, इसमें मेरे को ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दो मेथड लगे पहले वाले प्रैक्टिकल के हिसाब से, स्पीयरमैन और कॉल्पियर्सन लगा, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है तो अपने एक बार पढ़ लेते हैं तो अपने ये लगता है कि अपना ये पढ़ा हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार ये मेथड। देखो पांच नंबर जो मेथड है वो अपना है संगामी विचलन रीति यानी कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अपन दिशा जो होती है ना दिशा के आधार पर कॉन्करेंट डेविएशन याद करते हैं संगामी विचलन रीति। देखो इसकी परिभाषा दी हुई है, दो चर एक दिशा में गतिमान है या विपरीत दिशा में तब हम संगामी या सहगामी विचलन रीति का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बेसिक भी दिशा के आधार पर कौन सी विधि से मतलब सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है, तो इस दिशा के आधार पर अपन संगामी विचलन रीति, संगामी या सहगामी विचलन रीति से सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एक। अब देखो सहसंबंध किस प्रकार का होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, सहगामी होगा या संगामी होगा, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। यदि दो चर x और y एक ही दिशा में साथ साथ गमन करते हैं, देखो दो चर क्या होते हैं और एक ही दिशा में किस प्रकार गमन करते हैं, इस पर अपन खूब मातापची कर चुके हैं पहले वाले टॉपिकों में, तो आप वहां देख लेना इसको। देखो दो चर x और y एक ही दिशा में भी साथ साथ गमन करते हैं तब तो बोलते हैं संगामी या फिर धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, और यदि दो चर x और y विपरीत दिशा में गमन करते हैं यानी रिवर्स, तो वो होगा प्रतिगामी। देखो संगामी धनात्मक और ऋणात्मक तो आपको याद रह जाता है, लेकिन संगामी होता है वो धनात्मक होता है, प्रतिगामी होता है ऋणात्मक होता है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये अपने ऑप्शन में मिल जाए। तो संगामी धनात्मक और प्रतिगामी ऋणात्मक, जब तक तो याद नहीं हो तब तो तक दोहराते रहिए। ठीक है, अब आगे चलिए, मैं इसको निकालने की प्रोसेस क्या है। देखो प्रोसेस क्या है, स्थिति में प्रत्येक मूल्य उसके पिछले वाले मूल्य से तुलना की जाती है। देखो जैसे ये है दो एक तीन चार पांच, इससे तुलना की जाएगी, यदि माइनस हो गया इससे ये क्या हो गया, जो माइनस हो गया इससे ये क्या हो गया माइनस, इस प्रकार पीछे वाले मूल्य से तुलना करेंगे, यदि ये इससे ज्यादा है तो प्लस में हो जाएगा, यदि ये इससे ज्यादा है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इस प्रकार अपन इसकी तुलना करेंगे। बाकी इसमें मेरे को कुछ तम लगा नहीं पालने की संभावना है। दूसरा, विचलनों में दिशा में प्लस माइनस का ध्यान ही रखा जाता, यानी जो साइन है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव उनको इग्नोर किया जाएगा। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ज्यादा ज्यादा इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो फिर हमें फॉर्मूला देखो ये दिया हुआ है प्लस माइनस टू सी एन माइनस टू सी माइनस एन बटे एन, एन का मतलब होता है कैपिटल एन माइनस वन या स्मॉल एन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन यदि पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि संगामी विचलन रीति में एन का एन से क्या आशय है, एन से आशय ये है कैपिटल एन माइनस वन, ये है एन से आशय। ठीक है, नेक्स्ट मेथड अपना है वह न्यूनतम वर्ग रीति लिस्ट स्क्वायर मेथड। देखो लिस्ट स्क्वायर मेथड को भी मैंने देखा, इसमें भी कोई खास चीज नहीं है। यदि आप इस वीडियो डिटेल पढ़ना चाहते हो तो अपने एक टॉपिक है काल श्रेणी का माप एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, वहां पे आप उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी इसमें कोई पढ़ नहीं हो सकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अपन एक ग्राफ के माध्यम से मतलब पता करते हैं कि भाई
कोरिलेशन किस प्रकार का है, तो ये क्या बेस्ड ऑन लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट जो लाइन होती है ना ग्राफ उस पे आधारित है, ये आपको याद रखना है बेस्ड ऑन लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो बाकी इसमें दो फॉर्मूले हैं ये आपको रखने पड़ेंगे, सिग्मा वाई माइनस वाई सी बराबर जीरो और सिग्मा वाई माइनस वाई स्क्वायर हो जाए तो ये मिनिमम मान आएगा, ये आपको याद करना है। बाकी इसके बाद मेटेरियल स्टडी अपन पढ़ेंगे, कार्ल श्रेणी विश्लेषण के अंदर अलग से दिया हुआ है न्यूनतम वर्ग देती, तो ये अपना पूरा हो गया कोरिलेशन वाला टॉपिक, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए और मेरे को भी बताइए, यदि आपको नहीं आता है तो अपने ये व्हाट्सएप पे ग्रुप चला रखा है उस पर पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन डालिए किताब के, बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि वहाँ पे भी नहीं जा पाते हो टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, या यदि आपको लगे कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप फोन पर भी बात कर सकते हो, पूरा प्रयास करेंगे कि आपसे बात की जा सके, और मैं प्रयास भी करता हूँ शनिवार रविवार को यदि मेरे पास क्वेरी आती है, हाँ टाइम जरूर लग जाता है कई बार, मेरे को भी किताब के अंदर देखना पड़ता है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोरिलेशन वाला टॉपिक आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करोगे, अब क्वेश्चन नहीं आता है सर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो अभी कोई बुक आई होगी हमारे तो मेरे को ध्यान नहीं है, छपी भी है क्या ऐसो की बुक कोई, वो देख लेना आप, यदि वहाँ से क्वेश्चन मिले तो वहाँ से कर लेना, बाकी इंटरनेट पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और या फिर जो पुराने जो पेपर मिल जाएंगे ऐसो वाले, या RSMSSB की साइट पर भी कुछ रिसर्च असिस्टेंट के या इससे रिलेटेड कोई पेपर है तो वो सॉल्व कर लीजिए, और बाकी तो आप यदि आपके पास कोई एडिशनल मटेरियल है क्वेश्चनों का तो वो आप इस पर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, एक एक लाइन पढ़ ली है, एक एक लाइन पढ़ाई गई आपको, एक भी लाइन नहीं छोड़ी गई है, अब इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको क्या एक बार पूरा तरीके से मेमोराइज हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आपको बोरियत लग रही थी क्लास के अंदर वो पता क्या पता थोड़ा उसमें उत्साह आ जाए, वो पढ़ने में मजा आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और आपको उस लाइन से क्वेश्चन आ गया तो आप जाके उस लाइन को एक बार देखोगे, दोबारा पढ़ने का प्रयास करोगे, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछोगे या मतलब बात करोगे फोन पर, तो शायद अपने टॉपिक अब ढंग से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी देखो अभी तो ऐसा होगा अभी फुल टाइम पढ़ा है मेरे ख्याल से डेढ़ तो कोई आई नहीं है, तो सोच रहा हूँ मैं रिग्रेशन स्टार्ट करूँ या स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं एक बार, क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे तो देख लेते हैं, यदि डेट आ जाती है 5-6 दिनों में तब तो रिग्रेशन थोड़ा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, यदि नहीं आई आती है तो फिर अपन शुरू से स्टार्ट कर देंगे एक बार कि भाई इसका पूरा वो टेबुलेशन है सेंट्रल टेंडेंसी है वो है, बाकी यदि डेट आए दो दिन में आगे फिर रिग्रेशन करवा देंगे आपको, सैम्पलिंग करवा देंगे, हाइपोथेसिस करवा देंगे, ये टाइम सीरीज वाला टॉपिक है, वाइटर स्टैटिस्टिक्स है, इंडेक्स है, ये टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यदि डेट नहीं आती है तो लास्ट में पढ़ती पढ़ेंगे तो अपने ज़्यादा याद रहेगी पेपर के नज़दीक, ठीक है, बाकी आप देख बता देना जो भी आपको उचित लगे, धन्यवाद।